आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। रविवार को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी रहे। अध्यक्षता लोधी समाज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पूरन सिंह लोधी और परम सिंह लोधी के साथ दुष्यंत सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम के पहले जिले के समाज राजेंद्र पार्क में एकत्रित हुए, वहां से पैदल यात्रा निकाली गई। रविवार के दोपहर राजेंद्र पार्क में खरगापुर विधायक पहुंचे, जहां लोधी समाज की सभी संगठन मौजूद रहे। समाज के युवा ध्वज को लेकर आगे चल रहे थे डीजे के आगे और पीछे युवाओं के साथ युवतियां नृत्य कर रही थी। शहीदों की धुनों पर शहर में रैली निकाली गई। रैली में जगह जगह विभिन्न संगठनों और समाज के लोगों द्वारा फूलों के साथ जलपान से स्वागत किया गया। कार्यक्रम पर पुलिस की निगरानी रही। आगे और पीछे पुलिस जवान और उनके वाहनों की कतार लगी थी। कार्यक्रम के दौरान खरगापुर विधायक ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने देश के स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। आज अदम साहस की प्रतिमूर्ति वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि है। हर साल 20 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में रानी अवंतीबाई की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बता दें, रानी अवंतीबाई ने अपनी मातृभूमि पर ही देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान। वह देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। भारत की पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया। उसके बाद भी हमेशा से उन्हें नजरअंदाज किया है। देश में सरकारें या प्रमुख सामाजिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के होते हैं। भारत की पूर्वग्रही लेखनी ने देश के बहुत से त्यागी बलिदानी शहीदों और देश के अपने सर्वस्व निछावर किया है। अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर देश उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। उसी दौरान उन्होंने वीरांगना की प्रतिमा पर टीकमगढ़ राजेंद्र पार्क से शुरू हुई रैली। 700 गांव के युवा, इसके साथ ही डीजे और बग्गियों को भी शामिल किया गया। बग्गी पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के रूप में लड़की को बैठाया गया। उसके बाद खरगापुर विधायक राहुल सिंह, दुष्यंत सिंह, अनिल सिंह और राघवेंद्र सिंह को बैठाकर रैली का शुभारंभ किया। गांधी चौराहा, स्टेट बैंक, पुरानी नजाई, कटरा बाजार, रतन चौराहा, जवाहर चौराहा, नजाई दरवाजा, लुकमान चौराहा, सिंधी धर्मशाला, सिविल लाइन, अस्पताल चौराहा होते हुए शासकीय वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी कन्या महाविद्यालय में रैली का समापन किया गया। पुरानी तहसील के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उसके बाद लुकमान चौराहे पर भाजपाइयों और अस्पताल चौराहे पर अभिषेक खरे की मंडली द्वारा फूल बरसाए गए और जलपान कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कोतवाली पुलिस और देहात थाना पुलिस रैली में तैनात रही। आगे पीछे उनके वाहन चल रहे थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए टीकमगढ़ से जिला ब्यूरो दिनेश कुमार रैकवार की रिपोर्ट। बुंदेलखंडी समाज के साथ हो, इसलिए आप भी पूरी ताकत के साथ अगला कार्यक्रम सफलता के साथ आयोजित करिए और बुंदेलखंड स्तरीय करिए, इसमें पूरे बुंदेलखंड के लोग उपस्थित हो। आज राघवेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए और बार बार यह मूर्ति पर दिक्कत होती है, तो मैंने कहा 10 लाख रुपए विधायक निधि से और ज्यादा लगेंगे तो वो भी लगा देंगे। जैसी अस्पताल चौराहे पर छतरी बनी है, ऐसी शानदार छतरी और जीना यहाँ भी बन जाएंगे। विधायक निधि से यहाँ 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। और जब जब जहाँ जब बात आई, जहाँ पिछली बार आए थे तो यहाँ मैंने पेपर्स की घोषणा की थी, वो मैंने उसी समय तत्काल डलवा दिए थे। अभी जो बात आई है लोधी समाज की धर्मशाला की वीडियो में, जगह कुंडेश्वर में लोधी समाज को जगह भी मिल जाएगी। 5 लाख रुपए विधायक निधि से 1 अप्रैल को समाज के लिए दे दूंगा। और 5 लाख रुपए विधायक जी ने भी घोषणा की है कि वो दूसरी विधानसभा में देखते आगे, तो 5 लाख रुपए उनसे भी मिल जाएगा और 10 लाख में आपका भक्त धर्मशाला का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। मेरी कलेक्टिव के पास भूमि पड़ी है, हम दो लोगों ने खरीदी थी आधा एकड़, जो तिवारी जी ने कॉलोनी बनाई है उसके पीछे, तो 11,000 फुट जमीन हमारी है। 110 बाई 110 का लगभग प्लाट हमारा वहाँ पड़ा है, उसकी रजिस्ट्री में लोधी समाज के नाम से कर दूंगा, जहाँ पे आप धर्मशाला बनाए और जो आपके समाज के बच्चे हैं वो उसमें रुके पड़े थे। अभी गाँव के बहुत से लोग आते हैं, इनके पास रुकने के लिए शहर में संसाधन नहीं होता है। कई लोग पेशी पे आते हैं, कोई लोग कोर्ट के मामले होते हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ भी एक धर्मशाला बने, उसमें की में रजिस्ट्री जिस दिन समाज का है, आज कल परसों जिस दिन कहे उस दिन रजिस्ट्री कर देंगे। और जो हमारे सोनिया है उनकी भी उसमें 11,000 फुट है, तो उनसे भी बोल देंगे कि तुम्हारी मूल कीमत है 11,000 फुट की, तो कम से कम दामों में आपको हम 11,000 फुट उनसे भी दिला देंगे। तुमने जी भाव खरीदी भाव दे दो, समाधान एकड़ में बढ़िया लोधी समाज को आश्रम बन जाए, तो राघवेंद्र जी को तई बैठा दे बढ़िया केसरिया कपड़ा पहना दे और का, तो तुम्हें समाज की सेवा करनी है और बिना केसरिया पहने तो नहीं कर सकते।
इसलिए जिस दिन ये कहेंगे हम इसकी रजिस्ट्री कर देंगे और 5 लाख रुपए मैंने बड़ा गांव में लोधी समाज के लिए धर्मशाला को दे दिए, उसका भी काम शीघ्र प्रारंभ होगा। बगाज माता में जो भी राशि की आवश्यकता पड़ी मैंने दी है और राशि की आवश्यकता पड़ेगी तो मणिराम बैठे जे मणिराम और धनीराम धनाम देते लगा तो वहां भी कोई हम कमी नहीं आने देंगे। टीकमगढ़ में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तो ढोगा का खेल मैदान है वो मेरे माता बेटी भाई लोधी के नाम से बनाया था और एक पार्क है।